हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन पर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह जो है डाउनलोड नहीं किया होता है, तो फिर भी आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली जो ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आपको मैनेज एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप सभी को ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करिए और यहाँ से आप लोग जो है इस तरीके से प्ले स्टोर लिखिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर लिखेंगे तो आपके सामने गूगल प्ले स्टोर आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सभी को इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल ऐप फ्रॉम अननोन सोर्स तो इसका ऑप्शन आएगा, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और इसको जो है आपको डिसेबल कर देना है, यानी कि बंद कर देना है। ओके, तो आपके फ़ोन में ये इनेबल है तो आप लोग यहाँ पर इसको डिसेबल कर दीजिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों, अगर आपके फ़ोन से किसी अननोन सोर्स से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा होगा तो वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। ओके, और साथ ही साथ इसके बाद यहाँ पर आपको जो है बैक आना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से क्रोम लिख के सर्च करना है। क्रोम लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पर आप सभी को नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को इंस्टॉल ऐप फ्रॉम अननोन सोर्स करके फिर से ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी आप लोग जो है इसको बंद कर दीजिए। जैसे ही आप लोग यहाँ से बंद करेंगे तो दोस्तों, आपके फ़ोन से जो ऑटोमेटिकली ऐप अपडेट का प्रॉब्लम आता था तो वो जो प्रॉब्लम रहेगा वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, और अब आपके फ़ोन में किसी भी अननोन सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड नहीं होगी, मात्र जो है आपके फ़ोन में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। तो अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।